The Capitol. Mr. Speaker, honorable parliamentarians, I have complete faith in the capability of our political leadership, public institutions, civil society, and youth to successfully overcome the multiple challenges facing our nation today. This is based on my unshakable belief in the citizens of people, knowing that whenever we unite to make common cause, we deliver on our promises. Today too, I believe we can pull together to draw on our moral political capital in steering our country out of its complex but not impossible social, climate and economic challenges. To think of this great country as your driving motivation for service in this House of Parliament, let us demonstrate a spirit and words, a renowned political ethos, a collaboration and census building as the guiding principle to lay the groundwork for a more prosperous Pakistan. I'm certain that together, in a fresh start, we can start a course towards a strong, prosperous Pakistan. May Allah be our guide and support this journey. Ameen. Pakistan, Paindabad. नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पहले पार्लियामानी साल के आगाज पर तमाम मुअज्जज मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बतौर सदर मैंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देने का फैसला किया। मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्याल ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। Summoned to assemble together on Thursday, 18th April 2024, on conclusion of this business signed by the President of Pakistan. अब नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और सदर मुमलिकत ने तकरीर कर ली है। गैलरीज में मौजूद हैं, जबकि पीटीआई अरकान बानी पीटीआई के पोस्टर्स उठाए हुए ऐबान में मौजूद हैं। और सदर जरदारी की तकरीर के दौरान हमने देखा कि शोर शराबा किया, हंगामा आरई की, जबकि सदर जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत की। और उन्होंने सेहत के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी की ज़रूरत है। आवाम के लिए सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना होगा। हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास खुराक की कमी है। मौसमियाती असरात के बायस हमारी आमदन कम हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सियासी बैकग्राउंड से हूँ। हमने हमेशा खवातीन को बाख्तियार बनाने में हिस्सा डाला है। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित को बढ़ाना होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि पहले पार्लिमानी साल के आगाज पर तमाम मुअज्जज मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि हम इख्तलाफ को खत्म करें और मिल बैठकर सोचें, और अब हमें आगे की जानिब बढ़ना है। हमें अवाम की तरक्की की जानिब देखना है। हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर तो हो चुकी, अब इजलास मजीद इसकी कोई कार्रवाई होना अभी बाकी है या मुलतवी कर दिया गया है? देखिए, सदर मुमलिकत के खिताब के फौरन बाद जो है वो कौमी असेंबली का ये जो जॉइंट सिटिंग थी, ये गैर मुइना मुद्दा तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और इस इजलास के दौरान जो अपोजिशन है उनकी जानिब से शदीद जो नारेबाजी है वो की गई है सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान। और जो सुन्नी इतिहाद कौंसिल के अरकान थे और इसी तरह से जो आजाद अरकान थे उनके दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आगा रसूल्ला हैं उनके दरमियान जो हाथापाई है वो भी देखने में आई। और लेकिन ठीक है, तो इजलास को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी भी कर दिया गया।